दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी निकल चुके रोड ट्रिप के लिए और अभी निकले इंदौर से। इंदौर से जाएंगे पहले मंदसौर, रतलाम होते हुए मंदसौर में करेंगे पशुपतिनाथ टेम्पल के दर्शन, फिर उसके बाद निकलेंगे कहाँ के लिए? उदयपुर के लिए। उदयपुर में एक दिन स्टे करके वहाँ पर पूरा एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या चीज़ के लिए, किला हो गया, वहाँ के जो भी बावड़ी वगैरह वो एक्सप्लोर करने के बाद निकलेंगे डायरेक्ट माउंट आबू के लिए। तो आपको आने वाला बहुत ज़्यादा मज़ा इस पूरी रोड ट्रिप में। तो अभी आपको पहला वीडियो में डालूंगा जिसमें पूरी रोड ट्रिप का पूरा उदयपुर तक का वीडियो डालूंगा, पशुपतिनाथ जी के दर्शन भी करवाऊंगा आपको। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रोड ट्रिप। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, रास्ते में देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा मौसम, कहीं कहीं बारिश हो रही है, कहीं कहीं धूप निकली हुई है और कहीं बहुत ही सुहाना सा मौसम है, हवा अच्छी चल रही है, देख सकते हैं अभी कितना अच्छा वेदर है। तो दोस्तों, रास्ते में जहां भी घूमने की जगह मिलेगी वहां रुकते हुए जाएंगे और बताएंगे कौन कौन सी जगह से जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो दिल्ली मुंबई का हाईवे बना है ना, 8 लेन, वो वाला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। तो अभी हम रतलाम से आगे निकले थे तो ये जावरा के पहले आपको मिल जाएगा। अगर आपको जाना है तो आप जावरा के पहले यहाँ से ऊपर 8 लेन में जा सकते हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों, मंदसौर और नीमच के बीच में गाड़ी रुकी है, बहुत ही फेमस ढाबा है मक्खन वाला ढाबा। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल खाना खा के जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीज़ें वो बनती है मक्खन में, वो भी वाइट मक्खन में। तो चलिए अंदर चलते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं और आपको बताते हैं कैसा खाना। मैं पहली बार आया हूँ, मैंने यहाँ के बारे में बहुत सुना है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अंदर चलते हैं, ऑर्डर करते हैं और आपको बताते हैं सही में ढाबे में टेस्ट है या नहीं। तो आप देख सकते हो ये रही अपना नीमच हाईवे, मंदसौर नीमच, और ये बोर्ड लगा हुआ, और यहाँ पे ये रहा पूरा ढाबा, आप देख सकते हैं ये पूरा है। बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती हैं यहाँ पे, ये देखिए मक्खन का ढाबा। तो दोस्तों, ये रहा पूरा मक्खन का ढाबा, अंदर चलते जल्दी से खाना ऑर्डर करते। दोस्तों देख सकते हो ये रहा पूरा मेन्यू है मक्खन के ढाबे का, ये पूरा मेन्यू है। पूरे ढाबे वाले फील आने वाली आपको यहाँ पे, देख सकते हो लाइट थोड़ी कम है। ये इनका किचन रहा। तो दोस्तों, ऑर्डर कर दिया खाना, खाने में दाल फ्राई और पनीर हांडी करी है, उसके बाद मक्खन वाली रोटी, वो टेस्ट करते और आपको बताते कैसा है। जहाँ तक सुना है कि मैंने भी मतलब आपको पहले भी बताया कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस रास्ते पे, जो भी यहाँ से निकलता है वो यहाँ पे रुक के खाना जरूर खाता है। एक बार मैं पहली बार कर रहा हूँ टेस्ट, तो आपको ज़रूर बताऊँगा कैसा है टेस्ट यहाँ का। दोस्तों आ गया है खाना, दाल और ये मक्खन वाली रोटी, आप खाते टेस्ट करते और बताते, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो खाते और टेस्ट करके फिर आपको आकर बताएंगे कैसा है। तो खाना खा लिया है, खाना बढ़िया था और टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, मतलब आधे से पौन घंटा लग गया ऑर्डर आने में, भीड़ के कारण हो सकता है, पर एक ही परेशानी थी ऑर्डर टाइम की, टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया है। चलिए अब निकलते आगे और ये प्लानिंग करते हुए कौन सा होटल बुक करना है दोनों। तो बस चल रहे हैं और पशुपतिनाथ मंदिर और सावरिया सेट का जो अलग से एक वीडियो बनाया है वो आपको इसके बाद जो वीडियो डालूंगा उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे सावरिया सेट मंदिर पे। तो दोस्तों, अब पहुंच चुके हैं एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पे, चेक पॉइंट है। अब चलिए एंटर करते हैं राजस्थान में और अब चलते हैं लैंड ऑफ कलर्स में राजस्थान में। जो आपको ये टोल दिख रहा है ना, ये मध्य प्रदेश का लास्ट टोल है, उसके जस्ट बाद से राजस्थान स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, क्रॉस करते हैं इस टोल को।
और इंदौर से अभी तक यहाँ पे पहुँचने में 6 टोल आ चुके हैं। ये 7वां टोल, इतने यार टोल है ना यार इस रोड पे। You're rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste and I'll show you how I make it. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body. So abhi hai on the way Mount Abu ke liye, जैसा कि आपको पता है। और रास्ता तो अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा था, पूरा 4 लेन है उदयपुर से माउंट आबू का। जो रास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अभी पूरा 4 लेन था, अब 2 लेन स्टार्ट हो चुका है। तो अब चल रहे हैं आगे और देखते हैं माउंट आबू पहुँचने तक कैसा रास्ता रहता है। 22 किलोमीटर का घाट है, उदयपुर से आपको माउंट आबू पड़ेगा 166 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं, बताता हूँ आगे आपको रास्ता कैसा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये गेट पे लिखा है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि जो माउंट आबू है पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है वहाँ। तो दोस्तों घाट सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, एग्जैक्ट 20 किलोमीटर का घाट है और 20 किलोमीटर का टोटल घाट है। तो पूरा घाट आपको दिखाएंगे जल्दी जल्दी कवर करके। और रोड ट्रिप का जो मज़ा है ना, सच्ची में दोस्तों के साथ मज़ा आ जाता है दोस्तों के साथ रोड ट्रिप करने में। अभी दोस्तों थोड़ा सा ही ऊपर चढ़े और वेदर बिल्कुल चेंज हो गया। अभी थोड़ी दूर पहले वेदर बिल्कुल ऐसा था, मतलब सूरज निकला हुआ था और थोड़ी गर्मी थी। अब जैसे ही ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे ही वेदर में थोड़ी ठंडक आती जा रही है और हल्के हल्के पानी की बूंदें भी गिर रही है। तो बहुत ही अच्छा वेदर लग रहा है यार, आप भी मतलब कैमरे में देख सकते हैं सामने वेदर थोड़ा बदल सा गया है। और दोस्तों जब से हम निकले हैं ना, जब से हमको रोड कहीं भी ख़राब नहीं मिली यार। माउंट आबू के लिए भी 2 लेन रोड है पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एक भी दचका वगैरह मतलब ऐसा कोई गड्ढा नहीं आया अभी तक। आप देख सकते हैं, आपको खुद ही देखिए कितनी अच्छी रोड दिख रही है, मतलब आप इजीली यहाँ पे ड्राइव कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साइड में वॉल बनी हुई है। तो दोस्तों कल जो हम जगह घूमेंगे उसमें गुरु शिखर कवर करेंगे, अचलगढ़ हो गया, टोड रॉक हो गया, निक्की लेक हो गया, और जो भी यहाँ का लोकल मार्केट है ना वो पूरा घूमेंगे। और कुछ ऐसे पॉइंट भी घूमेंगे जो अनएक्सप्लोर है, बहुत कम जने जाते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप उदयपुर आ रहे हैं ना तो माउंट आबू आप आ सकते हैं, बहुत ही पास में डायरेक्ट माउंट आबू के लिए बस चलती है उदयपुर से। और बिल्कुल बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है, मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप राजस्थान में। और दोस्तों अहमदाबाद भी यहाँ से ज़्यादा कोई दूर नहीं है, अहमदाबाद भी पास में ही है, मतलब 100 से 200 किलोमीटर अगर आप अहमदाबाद से भी आना सकते हैं तो आप आ सकते हैं। गुजरात की बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी हमको यहाँ पर, मतलब आप मानेंगे नहीं, राजस्थान से ज़्यादा हमको यहाँ पर गुजरात की गाड़ियाँ दिखी। गुजरात में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं माउंट आबू पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे देना पड़ेगा 200 रुपए चार्ज गाड़ी के लिए और माउंट आबू में एंट्री करने के लिए, तो देते हैं और बढ़ते आगे। दोस्तों आपने पूरा रास्ता देखा, बहुत ही शानदार पूरा घाट था माउंट आबू का। पहुंच गए अभी माउंट आबू, अब देखेंगे कोई होटल अच्छा था, प्रॉपर्टी कितने की है। अभी जैसे हमारे गाइड ने बताया था उदयपुर में कि अभी ऑफ सीजन है तो थोड़ा कम में मिल जाएगा होटल, तो होटल ढूंढते कौन सा।